के योग्य है। भगवान और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा, रावण के दरबार में यदि विभीषण जी न होते तो मैं इस समय आपके सामने न होता। मैं यह भी भली प्रकार जानता हूं कि भविष्य विभीषण रावण का सहोदर भावी भाई है। मेरे विचार से तो उनका मन पवित्र है, साथ ही शरण में आए व्यक्ति को शरण देना मेरा कर्तव्य है। इसलिए हनुमान जी, आप जाकर विभीषण जी को आदर सहित यहां ले आइए। जो आज्ञा भगवान। बोल श्रीमती रामचंद्र की। कहिए विभीषण जी, यहां आने का कष्ट कैसे किया? लंका में सब कुशल से तो हैं। भगवान, मेरी कुशलता तो आप समझ ही गए होंगे, आप तो अंतर्यामी हैं। भगवान, मैंने भ्राता रावण को हर प्रकार से समझाया, किंतु वह एक भी न माने। अंत में मुझे कायर कहकर लात मारकर लंका से निकाल दिया। अब आप ही मुझे शरण दीजिए भगवान। प्रिय सखा, धैर्य धरो। हे विभीषण जी, जो मनुष्य चराचर का बैरी हो, वह भी यदि मेरी शरण में आए तो मैं उसको भी शरण देता हूं। विभीषण जी, मैं जल को साक्षी मानकर ये कहता हूं कि लंका विजय होने पर तुम ही लंकापति कहलाओगे। भगवान, आप धन्य हैं, आपकी लीला अपरंपार है। सुग्रीव जी, आप सबका क्या विचार है? केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरे विचार से तो युद्ध आरंभ करने से पूर्व हमें किसी योग्य वीर को रावण के पास भेजना चाहिए, क्योंकि राजनीति यही कहती है। राजनीति का नियम तो यही है, किंतु रावण इन नियमों का पालन नहीं करता। वह बड़ा हठी स्वभाव का है। कुछ भी हो, हमें तो अपना
कर्तव्य पालन करना है, इसलिए मैं युवराज अंगद का नाम प्रस्तुत करता हूं। कहिए अंगद जी, आपका क्या विचार है? भगवान सेवक सेवा के लिए तैयार है, तो फिर आप शीघ्र ही लंका के लिए प्रस्थान कीजिए तथा रावण को हर तरह से समझाने की कोशिश कीजिए, जिसमें उसका और हमारा दोनों का भला हो जाए। आपकी आज्ञा श्रद्धार्य है। अच्छा भगवान प्रणाम। आयुष्मान।